मेवाड़ राजघराने से लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। कुछ बात करेंगे राजनीतिक, कुछ पर्सनल भी करेंगे। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता के चैनल जनता दरबार के अंदर। बहुत बहुत आभार आपका। अभी अभी राजस्थान में दो फेज के इलेक्शन गए हैं, उसको देखते हुए क्या कहना चाहिए? नहीं, अब हमारे को जो है वो नतीजों का इंतज़ार करना है। मैं कोई भविष्यवक्ता तो मैं हूँ नहीं, और पर उम्मीद यही है कि अच्छा जो है वो निर्णय जनता जो है वो लाकर जो है वो देगी, और सबको जो है वो अब निर्णय का इंतज़ार है। मेवाड़ क्षेत्र में आपको क्या लग रहा है? नहीं देखिए, मैंने जैसे कहा, मतलब ये लोगों का एक मत है, लोगों का एक अधिकार है, लोगों का एक दायित्व है जो उनका निर्वाह करना चाहिए। जो जितने लोगों ने किया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये हमारा एक देश के प्रति एक हमारी जिम्मेदारी बनती है, और उम्मीद यही करते हैं कि जैसे ही जो है वो निर्णय आएंगे और एक मजबूत राष्ट्र को बनाने की तरफ ये निर्णय आएंगे। पूर्व में भी राजघरानों को हमने देखा है राजनीति में आके, वो बेहतरीन शासन करते हुए, आपका क्या कुछ मूड है? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये संविधान हमारे को जो है वो हर एक प्रत्येक नागरिक को इस चीज़ का अधिकार देता है, ना तो किसी व्यक्ति विशेष को, हर एक व्यक्ति को जो आकर जनता की या देश की जो है वो सेवा करना चाहता है, उसके अंदर हमारा संविधान हमारे को ये इजाज़त देता है इस कार्य को जो है वो करने की, और यही हमारे इस गणतंत्र की खूबसूरती है, और इसी का त्यौहार हम लोग मना रहे हैं। सर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू और कई मंचों से आप मोटिवेशनल बातें भी आप कहते हैं युवाओं के लिए, तो यहाँ से हमारे चैनल के माध्यम से एक अभी हमने सुना था वक्त को लेकर आपने कुछ एक दो चीज़ें बताई थी, वो क्या है? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि अक्सर जो है वो पुराने दौर से जब लोग अपने आप की तुलनाएं करते हैं, तब वो दौर ऐसा था कि जब घड़ियां किसी के पास नहीं थी पर वक्त सबके पास था, और आज का जो दौर है जिसके अंदर घड़ियां सबके पास है पर वक्त किसी के पास नहीं है, तो उसके ऊपर दो खूबसूरत पंक्तियाँ एक शायर की जो हैं वो ये हैं कि वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। सर युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या टेक्नोलॉजीज हो, अब AI भी आ गया, तो ना सिर्फ युवा बल्कि कई लोग उसकी तरफ हम मुड़ते जा रहे हैं और अपनी पुरानी चीज़ें धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से, कई राजघरानों की वजह से वो चीज़ वापस लौट के आ रही है। नहीं, मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिसके नाम में ही नकली लिखा हुआ हो तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज़ को समझने की एक आवश्यकता है कि हमें किस तरफ जो है वो जाना है और हमें किस तरफ का कार्य करना है, और ये चीज़ें आज की तारीख में 21वीं सदी की तकनीक की आवश्यकता है देश को और दुनिया को। पर यह मैं हमेशा हर मन से इस बात को कहता हुआ आया हूँ कि जब तक हम लोग उस नकलीपन की हम लोग गुलामी नहीं कर रहे हैं और हम उसे हमारे हित के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक जो है वो चीज़ एक अच्छी चीज़ है, और हमारे को इसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि इसका हम लोग शिकार होकर उसका दुरुपयोग हो जाए। संदेश में से हमेशा मैं यही कहता हूँ कि सोच को कभी जीवन में इतनी गहरी ना करें कि फैसले कमजोर हों। ये थे हमारे साथ लक्ष्यराज मेवाड़ जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को अपनी जो रूट्स हैं, अपनी जो संस्कृति है, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, नए को अपनाना चाहिए, लेकिन हमारी पुरानी जो जड़ें हैं, जो संस्कृति हैं, उन्हें भी साथ में लेकर चलेंगे तो हम एक नया भारत के लिए भविष्य हम बना सकते हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।